आजि आमे पिला माने दशम श्रेणीर गद्य विभागर प्रथम पाठ पढ़िबा। विषयर नाँ हेउची कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र। तांको जीवनी तांको साहित्य कृति होची आमर विषय वस्तु। आउ विचित्रर कथा जे पाठर केही कवि कि लेखक नाहंती, यार रचयिता होउछंती संपूर्ण ओडिसार संपादक मंडली। तेणु ए विषयटी आम पाठरे काहीं रखागला एटा आगे आम जानवा दरकार। तेणु पिले माने ठीक रे मन देखि शुण। तमें समस्ते शुणिथिबो आमर ओडिसा रे गंगाधर मेहरंकर गोटे अति सुंदर उक्तिटीए सदा सर्वदा शुणिबाकु मिले। मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदे जन्मी नाही, ताकु जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबो काही। वास्तवरे ए जो कथार तात्पर्य आज ओडिसा रे अनुभव होना। संपूर्ण ओडिसावासी जे मातृभाषा को ओडिसा को सम्मान दौना ता नुहे। विशेष करी आगामी पीढ़ी वर्तमान रो नूतन शिक्षा संस्कृति रे परिपूर्ण समाज धीरे धीरे ओडिया भाषा प्रति तार आंतरिकता कमिबारे लागिछि। धीरे धीरे आम मनरे अन्यान्य भाषा प्रति आंतरिकता बढ़िबार लगी, जो आज ओडिशा निजर स्वतंत्र सम्मान को बजाय रखिबारे असफल होउछि। तेणु एई गद्य टी तुम पाठरे रखिबार कारण होउछि जे तुम मातृभाषा प्रति तुम मातृभूमि प्रति तुमर आंतरिकता एबे ठारु सृष्टि हवा दरकार। तेबे जाई कथारे अच्छी पिले आजीर छात्र काली देशर नागरिक। तुमे होच ए देशर ए राज्यर आगामी भविष्यत। जदि तुम भितरे निज राज्य प्रति निज देश प्रति प्रेम नथिबो तेबे तुमे केवल स्वार्थपर जीवन जापन करिबो, देशरे विपद पड़िले आगे आसिबो नाही। तेणु ए विषयटिकु आम पाठ्य योजना रे जोड़ा जाइछि। एई पाठ्य योजना रे जोड़ीबार मुख्य उद्देश्य होउची 2020 मसीहारे आम राज्य सरकार कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंक रचित वंदे उत्कल जननी गीतिकाटिकु जातीय संघीयतार मान्यता देले, अर्थात आम संपूर्ण राज्यर सर्वश्रेष्ठ साहित्य बा श्रेष्ठ संगीत। एई जातीय संगीत मान्यता पाइबा परे मध्य आम राज्य रे ओडिया भाषा प्रति अपव्यवहार चली। ए अपव्यवहार को रोकिबा पाई ए अपव्यवहार को बंद करिबा पाई आम पाठरे वंदे उत्कल जननी तुमर प्रथम कविता अच्छी पिले। से कविताटी आम आगामी कालांश रे पढ़िबा, किंतु एबे केवल प्रथमे आमे से कवि को आउ तांको विषय रे जानिबा, तेबे जाई से गीतर महत्व को आमे बुझी पारिबा। तेणु ए वंदे उत्कल जननी कविताटी रचना करी कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र मरी अमर होई जाइछंती। तांकर एही व्यक्तित्व केते मात्रा रे उन्नत धरणर थिला आज आमे विषय आलोचना रे जानिबा। हेले ए जो विषयटी आमे पढ़िबा को जाउचे एथिरे आम मातृभूमि आम मातृभाषार महत्व जयगान आउ आम भाषार विशेषता को विशेष भाव गुरुत्व दिया जाइछि। तेणु आम मातृभूमि आम मातृभाषा सर्वश्रेष्ठ, सबुबेले ताकु निज आखि आगरे निज सम्मुखरे श्रेष्ठ स्थान देबे तेबे जाई आमे मानवरु महामानव हेई पारिबा। आस एबे विषयर प्रथम पर्यायटी ठीक रे बुझिबा पिले लक्ष्मीकांत महापात्रंकर जीवनी। लक्ष्मीकांत महापात्रंकर जीवनी आमे आलोचना करिबा। प्रथमे हेउची से 1888 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिखरे भद्रक रे थिबा तळपदा ग्रामरे जन्मलाभ करिथिले। तांको पितांको नाम थिला भगवत प्रसाद चौधरी आउ सामंत महापात्र, आउ तांको माँको नाम थिला राधामणि देवी। से बाल्यकालरु शारीरिक विकलांग थिले। से 1907 मसीहारे एंट्रान्स बालेश्वर जिला स्कूल रु पास कले
आउ तांको शिक्षा प्रति थिबा आग्रह जोगु से ओडिसा रे स्वतंत्र परिचय पाइले। तांकर गोटिए भाई आउ दुईटी सानो भौनी थिले। से व्यक्तिगत जीवन रे बहुत शिक्षा लाभ करिछंती शारीरिक विकलांग सत्वे। से आईएएस पास कले कटक्र रेवेन्सा कॉलेज रु एवं बीए पास कले कलिकता रेवेन्सा कॉलेज रु। तेणु एभली भावरे से शिक्षागत योग्यता रे पारंगम थिले। बाल्य कालरु ही तांकर संगीत अभिनय वाद्यजंत्र रे प्रचुर आग्रह थिला। एतद् व्यतीत तांकर तीनोटी प्रिय खेल थिला क्रिकेट टेनिस एवं साधारण भावरे बैडमिंटन। सांगमानंक सहित खेलिबाकु से भल पाउथिले। तांकर साहित्य तांकर कवि प्रतिभा विषय रे सर्वप्रथमे संवादपत्र मुकुर रे प्रकाश पाइला तांको साहित्य। तेणु ए जो साहित्य गुड़िक तांकर उत्कलमणि गोपबंधु को ओ ओडिसार गल्पर आधार गाथा कविता आमर कथा सम्राट फकीरमोहन सेनापति को बहु प्रभावित करिथिला। तांको साहित्यर बहु प्रशंसा सभा समिति रे देखिबा को मिले। तांकर देशप्रेम प्रचुर भावरे ओडिसावासी को प्रभावित करिथिला। तांकर स्त्री को नाम थिला लवंगलता एवं विवाह परे तांकर दुईटी पुत्र थिले। ए दुई जन जाक पुत्र आम भारत स्वाधीनता संग्राम रे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिले। व्यक्तिगत जीवन रे से साधारण भावरे उत्कल साहित्य संवादपत्रर संपादक थिले। से जणे समाजसेवी व्यक्तित्व भावरे ओडिसा रे परिचित एवं तांकर व्यक्तिगत जीवन बहु दुख कष्टरे बीतीथिबा सत्वे तांकर देश प्रति निज भाषा प्रति आंतरिकता केबे कमी नथिला। आमे या पर कालांशरे पढ़िबा तांको साहित्य कृति। तेणु तांकर व्यक्तिगत जीवन बहु झड़झंझा मध्यरे गति करिथिला। से जीवनर विभिन्न समय रे विभिन्न प्रकार दुख जंत्रणार सम्मुखीन हवा सत्वे मध्य ओडिसा प्रति तांकर कर्तव्य मातृभाषा प्रति तांकर आंतरिकता से केबे छाड़ी नथिले। तेणु तांकर एई महान चिंताधारा पाई तांकु पुरस्कार दियागला उपाधि दियागला कांत कवि उपाधि से पाइले। चिंतामणि महांतिंक सभापतित्वरे भद्रक हाईस्कूल सभा संवर्धनारे तांकु ए सम्मान मिलिथिला। तेणु एही महान व्यक्तित्व ओडिसारु विदाय नेले। जे जन्म हेछि ताकु मरिबाकु पडिव पिले। आमर कथारे अछि मर्त्य मंडले देहधारी देवता हेले भी मरई भगवान हेले भी मरिबाकु पडिव। जन्म अछि माने मृत्यु अछि। तेणु आम महाकविंकर आम कांत कविंकर 1953 मसीहा फेब्रुआरी 4 तारीख दिन स्वर्गवास हेला भद्रक राजभवन रे भद्रक तांकर स्वभवन रे। आउ ओडिसा हरेइ बसिला निजर एक अमूल्य संतान निजर एक श्रेष्ठ संतान। एहा थिला तांको जीवनी जहाँ प्रति पीढ़ी को सदा सर्वदा प्रेरणा दिए आउ तांकु उत्साह दिए। जे जीवनर झड़झंझा मुख्य नुहे आम व्यक्तित्व आम वास्तवता आम परिचय हेउची आम भितरे थिबा मानविकता हेउची आमर वास्तव परिचय। या परे आमे तांकर साहित्य कृति पढ़िबा। लक्ष्मीकांत महापात्रंकर साहित्य कृति आलोचना करिबा पूर्वरु तांक चिंताधारा विशेष करी तीनोटी रूपरे प्रकाश पाए। स्वदेश प्रेम प्रकृति सौंदर्य प्रति आंतरिकता एवं आध्यात्मिक चिंताधारा। तांकर व्यक्तिगत जीवनर कौनसी प्रभाव तांक साहित्य कृति रे देखिबा को मिले नाही। से अनेक
गल्प कविता शिशु साहित्य उपन्यास गोटिए एवं गल्प ए सबू अनेक साहित्य आम ओडिशा रे देखा मिले आमे गोटे गोटे करी सबू मन रखा पिले प्रथमे होची तांकर उपन्यास गोटे उपन्यास से लिखिथिले जार ना थिला कणा मामू किंतु से उपन्यास संपूर्ण हवा पूर्वरु से देह त्याग कले तेणु यह एक असंपूर्ण साहित्य द्वितीयटी होची गोटे क्षुद्र गल्प से रचना करथिले बुढ़ा शंखारी जहाँ आम नवम श्रेणी गल्पे पढ़ीचे पिले बहुत सुंदर कथावस्तु को नहीं ताकू रचना करा नाटक लिखिथिले कर्ण चंद्रहास लक्ष्मी चंडाळुणी यही अनेक गद्य रचना करथिले अर्थात प्रबंध प्रबंधरे कवि ओ कवित्व गोपबंधु स्मृति यही विभिन्न प्रकार प्रबंध तांक जीवन रे से लेखिचंती शिशु साहित्य पिलांक कथा चिड़ियाखाना पाठशाला यही अनेक कविता जीवन संगीत दुंदुभी जातीय संगीत यही अनेक काव्य साहित्य तांक जीवन रे से लेखिचंती तेणु ये जो साहित्यिक भावधारा गुड़िक तांक व्यक्तित्व को परिप्रकाशित करे तांको कवित्वर प्रमाण जे से एक श्रेष्ठ कवि थिले तांकर एही व्यक्तित्वर मुख्य आउ तीनोटी आधार देखिबा को मिले गोटिए हेउची से 1921 मसीहारे गोपीनाथ संगीत समाज प्रतिष्ठा करी ओडिशा बासिंकु संगीत शिक्षा दौथिले संगीतर उन्नति तांको जीवनर एक मुख्य अंग थिला ठीक से ही भली भावरे से मातृभाषा को विकसित करिबा पाई समस्तक ओडिशार कोण अनुकोण रे आम मातृभाषा को पहुँचेबा पाई से एक पत्रिका प्रतिष्ठा करथिले 1937 मसीहारे एवं ता ना थिला डगर ए डगर पत्रिकाटी ओडिया भाषार आधार थिला एथिरे विभिन्न प्रकार ओडिशार किंवदंती ठू आरंभ करी विभिन्न प्रकार कला स्थापत्य हस्तशिल्प कुटीर शिल्प प्रत्येक जिनिष स्पष्ट भावरे डगर रे प्रकाश पाउथिला एवं केवल ओडिशावासी नुहे संपूर्ण भारत ओडिशार अतीत को वर्तमान को गर्व को गौरव को जानिबार सुजोग पाइथिला से आम ओडिशा रे एक गोपीनाथ प्रेस प्रतिष्ठा करिथिले जहाँ आज भी आम ओडिशा रे अच्छी जहाँ थिला आम मातृभाषा को बचे रखिबार अन्य एक उद्यम मात्र तेणु ओडिया भाषा आउ ओडिशा केबे हेले कांतकवि लक्ष्मीकांत को भूली पारिब नाही तांको अवदान ओडिया साहित्य पाई अवर्णनीय एबे आमे पिला माने कठिन शब्द गोटी गोटी करी ठीक रे बुझिबा जदि आमे कठिन शब्द बुझिबानी तबे विषय पढ़िले भी ओडिया रे लेखा हेथिले भी तमे ताकु बुझी पारिबो नाही कारण कांतकविंकर किछि स्वतंत्र शब्दर संयोजना तांको गद्य साहित्य रे देखिबाकु मिले एबे आमे कठिन शब्द बुझिबा पिले देख कृतकार्य सफलता तत्वबोधन सुरक्षा एंट्रान्स मैट्रिक परीक्षा गोपी जंत्र वाद्य जंत्र रामताली दासकाठिया भाजन योग्य उद्योक्ता आयोजक अभिभावक मुरबी उद्बुद्ध अनुप्राणित अवस्थान रहिबा व्यंग उपहास उच्छ्वास आवेग अनन्य अद्वितीय टीयण तरकारी एभली किछि स्वतंत्र शब्दर व्यवहार तुम गद्य साहित्य रे देखिबा को मिले एबे तुमे गद्य पढ़िले ताकू ठीक रे पिले बुझी पारिबो आस एबे प्रश्नवाळी करिबा आमे वर्तमान से पाठटीर अभ्यास करिबा प्रथमे होउछि व्याकरण व्याकरणर एक नंबर देला पिले देख विपरीत बोधक शब्द लेख रोचकर विपरीत अरोचक
बुद्धिमानर निर्बोध अर्थात मूर्ख, प्रशंसार निंदा, आसक्तर अनासक्त, छद्मर प्रकृत, हसिबार कांदिबा। ठीक सेमती दुई नंबर देला आमर संधि विच्छेद कर, दुरारोग्य दुहुजुक्त आरोग्य, पैतृक पितृजुक्त इक, उत्तराधिकारी उत्तर युक्त अधिकारी, अभिषेक उत्सव अभिषेक युक्त उत्सव, सुधाकर सुधाजुक्त आकर, समालोचना समयुक्त आलोचना। यही दुई नंबर आम खातार लिखा। तीन नंबर कहला कांति शब्द लगे कि आउ पांचटी शब्द लेख, जमीती देख पिले चंद्रयुक्त कांति चंद्रकांति, सूर्य कांति सुकांति तुषार कांति सौम्य कांति, यही आम निजे अनेक शब्द या। एबे चारि नंबर देखिबा, चारि नंबर से कहिला आनंद लगे आमे शब्द तयारी करिबा, नित्य युक्त आनंद नित्यानंद, सत्य युक्त आनंद सत्यानंद, रस युक्त आनंद रसानंद, पूर्ण युक्त आनंद पूर्णानंद, भैरव युक्त आनंद भैरवानंद, ब्रह्म युक्त आनंद ब्रह्मानंद। पांच नंबर कहिला चंद्र लगे पांचटी शब्द लेख, पूर्णचंद्र रामचंद्र कृष्णचंद्र कविचंद्र अर्धचंद्र, यही आम अनेक शब्द तैयारी। एबे आम संक्षिप्त प्रश्न उत्तर पिले करवा। आमर छ नंबर प्रश्न देला कविंकर नाम लक्ष्मीकांत रखा जाइथिला काहेकि, लक्ष्मीकांतंकर जन्म माणवसा गुरुवार रे होइथिला बोली तांको पिता तांको ना लक्ष्मीकांत रखिथिले। द्वितीय प्रश्न आमर सात नंबर प्रश्न कहुची कांत कविंक पैतृक ग्रामर ना कौन, कांत कविंकर पैतृक ग्रामर नाम थिला तालपदा, लक्ष्मीकांत पितांक नाम कौन ओ से केउ वृत्ति करुथिले। लक्ष्मीकांतंकर पितांक नाम थिला भागवत प्रसाद चौधरी, आउ से वृत्ति रे थिले ओकिल। कविता लेखा पाई कवि कहार श्रद्धा भाजन सर्वप्रथमे हेले उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर। लक्ष्मीकांतंक मातांक नाम कौन थिला राधामणि देवी। एगार नंबर प्रश्न हेउची लक्ष्मीकांत बीए पढ़ीबा पाई कलिकतार केउं कॉलेज रे ना लेखाइले, रिपन कॉलेज रे ना लेखाइले, रेवेन्सा महाविद्यालय रे लक्ष्मीकांत पढ़ुथिला बेले केउं नाटकर अभिनय करिथिले कांची काबेरीर अभिनय करिथिले, केउंठारे लक्ष्मीकांतंकु कांत कविर सम्मान मिलिथिला। उत्तर हेउची भद्रक हाई स्कूल रे संवर्धना सभारे तांकु कांत कविर सम्मान मिलिला। छात्रावस्था रे लक्ष्मीकांत लेखालेखी पाई केउं पत्रिकार दृष्टि आकर्षण कले, उत्तर हेउची मुकुर, मुकुर पत्रिकार संपादक तांक लेखारे प्रभावित होई तांकर प्रत्येक लेखा मुकुर रे प्रथमे प्रकाश पाउथिला। कांत कविंकर कुलगुरुंक ना कौन बाबाजी रामदास। षोह नंबर प्रश्न हेउची लक्ष्मीकांतंकर इष्ट देवता किए थिले, लक्ष्मीकांत महापात्र वैष्णव धर्मविलंबी थिले, वैष्णव धर्मर इष्ट हेउछंती स्वयं श्रीकृष्ण बा विष्णु बा जगन्नाथ, तेणु तांको इष्ट देव स्वयं श्रीकृष्ण थिले। वंदे उत्कल जननी गान सर्वप्रथमे केउठारे करा जाइथिला 1912 मसीहारे उत्कल सम्मेलनीर बालेश्वर अधिवेशनरे कु गान करा जाइथिला। लक्ष्मीकांत भद्रकरे स्थापन करिथिबा प्रेसर ना कौन गोपीनाथ प्रेस, डगर पत्रिका प्रकाशन कटकर पिठापुरु केउ मसीहारे प्रकाश पाइला 1937 मसीहारे कटकरु डगर सर्वप्रथमे लक्ष्मीकांत प्रकाश करिथिले। असह जोग आत्मकथा लक्ष्मीकांतंकर एक साहित्य केउ पत्रिकारे प्रकाश पाइथिला उत्कल साहित्य पत्रिकारे प्रकाश पाइथिला। लक्ष्मीकांतंकर असंपूर्ण उपन्यासर नाम कौन कोणा मामू। 22 नंबर प्रश्नटी हेउची लक्ष्मीकांतंक पिता भागवत प्रसाद चौधरी काउंसिल पद परित्याग कले बा इस्तफा देले, काउंसिल पदरु इस्तफा देले काहेकि,
उत्तर हेउची सेतेबेले ब्रिटिश सरकारक विरुद्धरे महात्मा गांधींकर लवण सत्याग्रह चालीथिला एवं ए लवण सत्याग्रह रे से भारतीय हिसाब रे योगदान करी काउंसिल रु इस्तफा देथिले। एबे आमे सरलार्थ लेखिबा बा सरलार्थ केमिति लेखा जाए ताकू बुझिबा मु गोटिए सरलार्थ पिले लेखि देबी ताकू देखिकि तमे अन्य सरलार्थ गुडीकु लेखिबो। एबे आमे सरलार्थ करिबा तुमर सरकारी परीक्षा रे बा गवर्नमेंट सिस्टम अनुसार जो एग्जाम होउची से एग्जाम रे सरलार्थ 4 किंबा 5 मार्क रो पिले पडुची ऊपर पाराग्राफ तारे अछि 3 मार्क एवं तळ पाराग्राफ रे अछि 2 मार्क तेणु से हिसाब रे तुमको ये सरलार्थटा मु लेखि देछि तुमे एकु देखी बाकी तीनोटी सरलार्थ खाता रे लेखिबो। प्रश्न से देला एभली समय रे साहित्य संगीत संकीर्तन चर्चा इष्ट पूजा गुरुवाणी पालन थिला तांकर सांत्वनार औषधि जेतेबेले से शारीरिक जंत्रणा अनुभव करुथिले सेतेबेले से आध्यात्मिक चिंतन आडुकु निज मन बळेई पारिथिले एइटा तांक विशेषता थिला संपादक मंडळी कहउछन्ती। कारण साधारणतः आमर शारीरिक जंत्रणा हेले आमे शिक्षा कौनसी प्रकारर प्रवचन कौनसी भल काम करि पारु नाही किंतु से शारीरिक विराट दुरोग्य व्याधि रे पीड़ित थिबा सत्वे ईश्वर उपासना को भूली नथिले तेणु संचित पद्यांशटी आम साहित्य बहिर कांत कवि लक्ष्मीकांतक द्वारा रचित पाठरु आसीछि। एठारे कविंक दुरारोग्य व्याधिरु पीड़ित हेला परे से कुलदेवता गोपीनाथंक समर्पित होई समय अतिवाहित करिदेइथिले जहाँ तांक रोगर औषध बळी काम करिथिला। पितांकर असंख्य जत्न सत्वे पिता तांकु ए दुराग्य व्याधिरु बंचेइ पारि नथिले आउ ए दुराग्य व्याधिर प्रभाव जोगु से शारीरिक विकलांग होइगले। ए शारीरिक विकलांग हबा सत्वे से रामदासंक ठारु धर्म शिक्षा ग्रहण कले एवं दीक्षा ग्रहण करी सारी से गोपीनाथंक तांक कुलदेवता गोपीनाथंक निकटरे निज जीवन को संपूर्ण रूपे समर्पि देथिले। उत्कल पाई संपूर्ण जीवन समर्पण करी से एक साधारण मानवरु महामानव हो जाइथिले। एबे आमे लॉन्ग क्वेश्चन करिबा तमर आगुरु लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क पडुथला पिले किंतु एबे सरकारी व्यवस्था अनुसार से निजे कागज दउचंती आउ सेथिरे लाइन जेतेटा थाउची ताकु सेतिके भितरे तमकु उत्तर लेखिबार अछि तेणु से 5 नंबर कर देइचंती। से 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन कु 3टा पाराग्राफ करी आमकु लेखिबाकु पडिबो। प्रथम पाराग्राफ रे लक्ष्मीकांतंकर जन्म केबे हेथिला कोन थिला तांकर बाल्य परिचय। द्वितीय पाराग्राफ रे से कोन पढिले आउ तांका जीवन रे से अग्रगति केमिति कले। तृतीय पाराग्राफ होची तांका व्यक्तिगत जीवन रो समाप्ति कोउ परिस्थिति रे होइथिला तेणु प्रश्न हेउची कांतकविंक जीवन रो परिचय संपूर्ण जन्मरु मृत्यु पर्यंत जीवनी कहिले जन्मरु मृत्यु पर्यंतर परिचय आमे दबा। तेणु 1888 मसीहा डिसेंबर 9 तारीख रे से भद्रकर तालपदा ग्राम रे माणवसा गुरुवार दिन जन्मलाभ करिथिले। माणवसा गुरुवार रे जन्म होइथिले बोली तांक पिता तांक नाम देले लक्ष्मीकांत। से बाल्य कालरु विभिन्न दक्षतार अधिकारी थिले बहुत क्रीड़ा प्रेमी थिले। तांक पितांक नाम थिला भागवत प्रसाद चौधरी सामंत महापात्र एवं मांक नाम थिला राधाराणी देवी। तांक तले जणे सान भाई एवं दुईटी सान भौणी थिले तांक परिवारर परिचय हिसाब रे। से 1907 मसीहा रे बालेश्वर जिला हाई स्कूल रु एंट्रान्स पास कले। एंट्रान्स अर्थ मैट्रिक 10म पास कले एवं या परे से आईए बीए ओकिलाती सबू पढ़िले विभिन्न कॉलेज रे।
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କ୍ରିକେଟ ଆଦି ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଧାର ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ ଥିଲା ଅଭିନୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା। ଏ ତିନୋଟିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ କାନ୍ତକବିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଲବଙ୍ଗଲତା। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପୁଅଟିର ନାଁ ଥିଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅଟିର ନାଁ ଥିଲା ଗୌରୀଚନ୍ଦ୍ର। ଉଭୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ଏହିଭଳି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିଲା। 1913 ମସିହାରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପୁରୀରୁ ଏକ ଦୁରାଗ୍ୟ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ସେ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଗୁରୁ ରାମଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୁଳ ଦେବତା ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ 1953 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଭଦ୍ରକ ବାସଭବନଠାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ୟା ପରେ ଆହୁରି ତମର ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି କ'ଣ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଙ୍କଚିନ୍ତା ଲେଖିବ। ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରୁ ସେ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ କିପରି କଟିଥିଲା, ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଏଇ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପ୍ରାୟ କହିଦେଇଛି। ତେଣୁ ନିଜେ ସରଳାର୍ଥ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ରେ ଲେଖିବା ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିବ।